नमस्कार, मैं हूं तोरल और आप देख रहे हैं तत्काल न्यूज लाइव। ताऊते तूफान ने मुंबई तट पर बड़ी तबाही मचाई थी। लापता लोगों की तलाश में नौसेना बड़े पैमाने पर 2400 घंटे बचाव प्रयास का नेतृत्व कर रही है, जिसमें इसके कई जहाज P-81 ही विमान और सी किंग हेलीकॉप्टर, साथ ही तटरक्षक और ONGC के जहाज शामिल है, ताकि डूबे हुए बजरे और अन्य जहाजों से बचे लोगों का पता लगाया जा सके। उल्लेखनीय है कि बजरा P-305 चक्रवाती तूफान ताऊते के कारण मुंबई के तट पर से ही कुछ दूरी पर सागर में फंस गया था और फिर डूब गया था। नौसेना ने बृहस्पतिवार को भी हेलीकॉप्टर तैनात किए हैं और हवाई मार्ग से तलाश बचाव अभियान चला रही है। P-305 पर मौजूद लोगों में से अब तक 37 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं। बेहद खराब मौसम से जूझते हुए नौसेना के जवानों ने बजरे P-305 पर मौजूद 261 लोगों में से अब तक 188 को बचा लिया है। दो लोगों को टगबोट वारप्रदा से बचाया गया। एक अधिकारी ने बताया कि अब लोगों के जीवित मिलने की संभावना बहुत ही कम है। मुंबई पुलिस ने घोषणा की है कि वह पड़ताल करेगी कि चक्रवाती की चेतावनी के बावजूद ये बजरे पानी में क्यों थे।